नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसा का एक वीडियो मेरठ पुलिस ने जारी किया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी 30 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना 20 दिसंबर को लिसाड़ी गेट पर हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने दुकान को बाहर से बंद कर दिया और वहां आग लगाने की कोशिश की। हालांकि एसएसपी अजय साहनी समय रहते मौके पर पहुंच गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को वहां से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस उस घटना को अंजाम देने वाले उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल 20 दिसंबर को मेरठ में उपद्रवियों ने शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। पुलिस ने दावा किया कि यहां उपद्रवियों ने 30 पुलिसकर्मियों को एक घर में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश भी की। हालांकि पुलिस की सूझबूझ और दिलेरी से इन सभी पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं पुलिस की ओर से जारी किए गए वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में अब तक 13 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें करीब 148 लोग नामजद और 500 से ज्यादा लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों के फोटो और वीडियो के आधार पर शिनाख्त की है, जिनके पोस्टर भी शहर में चस्पा कर दिए गए हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में पीएफआई और एसडीपीडीआई जैसे संगठन के नाम सामने आए हैं। वहीं इस मामले में मेरठ के नौचंदी और लिसाड़ी गेट क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसी के साथ अब मेरठ पुलिस ने 3 उपद्रवियों के फोटो और जारी किए हैं, जो हिंसा वाले दिन पुलिस पर सीधे सीधे फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन लोगों पर इनाम रखकर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। पुलिस का मानना है कि फायरिंग करने वाले तीनों युवक पीएफआई से जुड़े हुए हैं। इस मामले में मेरठ पुलिस ने एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत अब तक इन दोनों संगठनों के 4 लोगों को जेल भेज दिया है, जिसके बाद एसपी क्राइम के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करके इन संगठनों के गुर्गों को खंगाला जा रहा है। यूपी की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव उत्तर प्रदेश।